हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर से आई हुई नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में, और यहां से कई सारे पोस्ट पर नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ आई हुई जिसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में एंड तक जो है वो मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर मैं यूट्यूब से अभी पहले आपको सारे नोटिफिकेशंस को प्रोवाइड कर देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ पर आपको इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस, तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का और लास्ट डेट का 22 तारीख यहाँ पे शो की गई है, और इसके सामने इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट हैं उनके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, किस किस पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसीज हैं। सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें कि पे लेवल आपका 8 रहने वाला है। सीनियर इंजीनियर की 1 वैकेंसी है, पे लेवल 7 है। स्टाफ नर्स की 3 वैकेंसीज हैं, पे लेवल इसमें भी 7 है। जूनियर सुपरिटेंडेंट की 3 वैकेंसी हैं और पे लेवल यहाँ पे 6 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पे लेवल इन सभी जॉब में काफ़ी अच्छा है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में 3 वैकेंसी है, डेप्यूटी इंजीनियर सिविल में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में 1, फार्मासिस्ट में 1, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में 11। और मैं आपको बता दूँ, जूनियर असिस्टेंट में यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं अभी सभी पोस्ट का मैं आपको भी नीचे बताऊंगा कि किस में क्या आपको एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इसका लेवल 4 है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको पे लेवल जो पे है वो अच्छी दी जा रही है इसमें जूनियर असिस्टेंट में। और अब मैं आपको बता दूं, 22 तारीख लास्ट डेट है यहाँ फॉर्म भरने की ऑनलाइन, इस वेबसाइट के थ्रू जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई, यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। 29 तारीख तक आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट कॉपी के साथ बाय पोस्ट भी जो है आपको सेंड करने होंगे। उससे पहले हम आप देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ 3 ईयर मिनिमम 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिलेवेंट एरिया आउट ऑफ विच 3 ईयर शुड बी एज जूनियर सुपरिटेंडेंट इन पे लेवल 6, ये कंडीशन है। नेक्स्ट जो आपका है वो है डिज़ायरेबल, जो इन्होंने लिखा हुआ है वो डिज़ायरेबल है, वो आप होना चाहिए आपके पास, ठीक है, लेकिन जो इसेंशियल है वो मस्ट है, वो आपके पास होना ही चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स है। ओके, सीनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन सिविल एटलीस्ट 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ग्रेड पे ऑफ 4200 और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द ग्रेड पे ऑफ 4200 और इक्विवेलेंट इन द रिलेवेंट फील्ड, ये इन्होंने क्राइटेरिया मांगा गया। और डिज़ायरेबल में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, जिसमें कि आपको जैसे कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कि आपका कैड और कई सारे जो चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। पे लेवल 7 है, 40 इयर्स मिनिमम एज तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की 3 पोजीशंस है यहाँ पे, बीएससी नर्सिंग विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, यहाँ पर मोस्टली जो भी हैं उनमें सभी एक्सपीरियंस वाली जॉब ही हैं, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा जिन्होंने भी एक्सपीरियंस अगर गेन किया हुआ है इन सब फील्ड्स में तो वो यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट में यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया एज जूनियर असिस्टेंट इन द ग्रेड पे ऑफ 2000 और इक्विवेलेंट। तो अगर आपने एज अ जूनियर असिस्टेंट ग्रेड पे 2000 पे अगर काम किया हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो मांगी गई है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में 3 पोस्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट विथ 4 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ओके, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप नोटिफिकेशन में अगर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। 40 ईयर्स एज यहाँ पर भी मांगी गई है। देन यहाँ पे डिप्टी इंजीनियर सिविल में भी 1 पोस्ट है, यहाँ पर भी सेम 2 ईयर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग आपको जो है रिलेवेंट फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा गया है। 40 ईयर्स एज यहाँ पे भी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कई सारे ऑप्शंस हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ लें कृपया, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
40 ईयर्स एज यहाँ पे इन्होंने मांगा गया है। फार्मासिस्ट में भी यहाँ पे एक पोस्ट है और डिप्लोमा इन फार्मेसी विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर डिप्लोमा, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज लिमिट। आखिरी जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की, टोटल 11 पोस्ट हैं। ओके, बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ये आपके पास होना चाहिए। और डिजायरेबल में इन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट, लीगल, परचेज, इंपोर्ट, मटेरियल मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ों में आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के साथ साथ। पे लेवल जैसा कि मैंने बताया कि पे लेवल 4 है और 35 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डेट मैंने आपको बता दी है। फीस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे PWD, SC ST, एक्स सर्विस मैन और फीमेल एप्लीकेंट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, साथ ही रेगुलर एम्प्लॉय IIT इंदौर के हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं होगी। OBC, NC और EWS के लिए 100 रुपये और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 200 रुपीज़ बोला गया है। और अब हम आगे बात करते हैं जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एप्लीकेशन अप्लाई करने का तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और आपको जो फॉर्म जब आप सेंड करेंगे बाई पोस्ट, तो आपको एनवेलप पे लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम इस ब्लैंक में आप लिखेंगे, इसका मतलब है। और इस एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा बाई पोस्ट, जो कि 29 दिसंबर 2022 से पहले पहले या 29 दिसंबर तक किसी भी हालत में जो है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ओके, और कोशिश कीजिएगा कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही इसको सेंड कीजिए। और अगर आपको कोई इशू है तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9:30 से शाम 5:45 तक। ओके, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली इस अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपके सामने सब इंस्ट्रक्शंस आएंगे कैसे आपको क्या चीज़ अपलोड करनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स PDF में होने चाहिए, लेस देन 1 MB में। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ओके करना है। देन सबसे पहले साइनअप करेंगे, क्योंकि फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो साइनअप करेंगे। यहाँ पर फुल नेम, ईमेल, और 2 बार आप यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, मतलब पासवर्ड बना करके 2 बार फिल करेंगे सेम पासवर्ड। देन रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद फिर होम पे जाएंगे, और होम पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे साइन इन वाला पेज आ जाएगा। और यहाँ पर आप डायरेक्टली ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल करके फिर से फॉर्म को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो ये प्रोसेस था फॉर्म भरने का, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी टफ नहीं है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके की रेगुलर वैकेंसीज, टीचिंग वैकेंसीज, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, PhD एडमिशन से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।